Welcome to Molecule. Lecture on Nature and Structure of Virus. Previous video में हमने वायरस की हिस्ट्री और उनके कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां से देख सकते हैं। इसमें हम लोग इस वीडियो में हम लोग नेचर के बारे में बात करेंगे उसके, और डिफरेंट स्ट्रक्चर जो होते हैं वायरस के उसके बारे में भी बात करेंगे। नेचर ऑफ वायरस देख लेते हैं। वायरस हैव नेचर ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो वायरस होते हैं ये नॉन लिविंग और लिविंग दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं, जिसकी वजह से ये खास हैं। जो इनकी नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं? इनके पास प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। दूसरी चीज क्या होती है, इनके पास एंजाइम सिस्टम नहीं होता, ये रेस्पिरेशन नहीं करते, और ये क्या होते हैं, ये क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है कि इनकी कल्चरिंग नहीं हो पाती। जो वायरस होते हैं उनको हम कल्चर नहीं कर सकते सेल के बाहर, अलग अलग जो मीडियम होते हैं उनमें कल्चरिंग नहीं कर सकते इनकी वायरस की। तो ये थे इनके नॉन लिविंग कैरेक्टर्स। अब इनके लिविंग कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये रेप्लिकेट करते हैं किसी होस्ट के अंदर, होस्ट के सेल के अंदर ये रेप्लिकेट कर पाते हैं लिविंग सेल के अंदर। इनमें न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, जिस और ये क्या करते हैं, ये किसी भी होस्ट का जो राइबोसोम होता है उसको यूज करके प्रोटीन सिंथेसिस और अपना जो जेनेटिक मटेरियल है उसको रेप्लिकेट करते हैं। इनका जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो सेम म्यूटेशन दिखाता है, जो अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो म्यूटेशन होता है उसी की तरह इनके भी जेनेटिक मटेरियल में, न्यूक्लिक एसिड में म्यूटेशन होता है। और ये डिजीज कॉज करते हैं, जैसे बैक्टीरिया और फंजाई करता है। तो ये सब की वजह से इनके ये कैरेक्टर्स हैं लिविंग कैरेक्टर्स। अब इन्हीं कैरेक्टर्स के आधार पर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने वायरस को क्या कंसिडर किया है, ये ब्रिज है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग को कनेक्ट करता है आपस में जो हमारा वायरस है। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस के बारे में बात कर लेते हैं। वायरस जो होते हैं वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ये विजिबल होते हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर ही। इनमें जो होती है ग्रेट वेरिएबिलिटी दिखाते हैं, मतलब अलग अलग तरीके के शेप्स होते हैं इनके, और इनका जो साइज होता है वो 17 nm से 2500 nm तक होता है इनका साइज। अब कुछ शेप्स के बारे में बात कर लेते हैं जो वायरस के शेप्स होते हैं। पहला शेप जो होता है वो होता है रिजिड रॉड शेप वायरस। ये जो रिजिड रॉड शेप वायरस होते हैं इसमें, इनमें क्या होता है, इनमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पॉजिटिव स्ट्रैंड पाया जाता है, और इनमें एनवेलप जो होता है प्रोटीन कोट के बाहर, ये जो प्रोटीन कोट है, ये प्रोटीन कोट है हमारा प्रोटीन कोट, इसके बाहर भी एक कवरिंग होती है वो एब्सेंट होती है। ये जो कवरिंग होती है इसके बाहर वो एब्सेंट होती है, इनमें आउटर एनवेलप एब्सेंट होता है। ये रिजिड रॉड वायरस होते हैं, इलॉन्गेटेड होते हैं शेप में, और इनके एग्जाम्पल है TMV, कुकम्बर मोजैक वायरस और ये। दूसरा होता है फ्लेक्सिबल रॉड शेप वायरस। फ्लेक्सिबल रॉड शेप वायरस जो होते हैं इनमें कौन से आते हैं वायरस हमारे, पोर्टेक्स वायरस आते हैं और कार्लो वायरस आते हैं। ये वायरस जो होते हैं इनमें भी इन्वेलप नहीं होता, और इनका जो जेनेटिक मटेरियल वो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पॉजिटिव स्ट्रैंड होता है। तीसरा है हमारा आइकोसाहेड्रन शेप। अब इनका तीसरा शेप जो होता है वो आइकोसाहेड्रन शेप होता है। इस शेप में क्या होता है, इस शेप के जो वायरस होते हैं वो बिलोंग करते हैं ब्रोमो वायरस, क्यूकुमो वायरस, टाइमो वायरस एटसेट्रा। इनमें जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पॉजिटिव स्ट्रैंड पाया जाता है। कुछ रियो वायरस होते हैं, जो रियो वायरस ग्रुप हैं, उनमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है, मतलब ये ब्रोमो वायरस, क्यूकुमो वायरस, इन सब में सिंगल स्टैंडर्ड होता है, और ये जो रियो वायरस ग्रुप होते हैं इनमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। जितने भी ये वायरस होते हैं इनमें भी जो एक्स्ट्रा एनवेलप होता है वो एब्सेंट होता है प्रोटीन कोट के बाहर। तो ये इनका शेप होता है ऐसा करके, आइकोसाहेड्रन शेप जो है ये। चौथा है हमारा आइसोमेट्रिक शेप। आइसोमेट्रिक शेप क्या है, ये शेप जो होता है वायरस, ये पोलियो वायरस और हर्पेस वायरसेस में प्रेजेंट होता है। इनमें क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पॉजिटिव स्ट्रैंड पाया जाता है,
और इनमें भी एक्स्ट्रा एनवेलप्स एब्सेंट होते हैं। पांचवा है हमारा पॉलीहीड्रल शेप। अब ये जो पॉलीहीड्रल शेप होते हैं ये टीएमवी में पाए जाते हैं और ये विदाउट एक्स्ट्रा एनवेलप होते हैं और इनमें भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है, पॉजिटिव स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पॉजिटिव स्ट्रैंड पाया जाता है ये पॉलीहीड्रल शेप में। एग्जांपल टीएमवी है, याद रखिएगा आप इसको। सिक्स्थ है हमारा बेसिलाई और बुलेट शेप। ये जो बेसिलाई शेप होते हैं ये किसमें प्रेजेंट होते हैं, रैप्ट वायरस में होते हैं और टोमेटो स्पॉटेड वाइल्ड वायरसेस में होते हैं, TSWV। इनमें जो होता है, इनमें याद रखिएगा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए नेगेटिव स्ट्रैंड पाया जाता है और इनमें क्या होता है एक्स्ट्रा एनवेलप ऑफ लिपिड भी पाया जाता है। देखिए ये है था हमारा जेनेटिक मटेरियल, ये था हमारा जेनेटिक मटेरियल, ये हो गया हमारा प्रोटीन कोट, ये हो गया हमारा प्रोटीन कोट, ये प्रोटीन कोट हो गया। तो ये हमारी बाहर एक एनवेलप है प्रेजेंट लिपिड का, ठीक है, तो इनमें एक्स्ट्रा एनवेलप प्रेजेंट होता है लिपिड का। अगला है हमारा स्पेरिकल शेप। अब कुछ वायरस जो होते हैं वो स्पेरिकल शेप के होते हैं जो हमारे कैलीमो वायरस में पाए जाते हैं। इनमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है और कुछ कोमो वायरस ग्रुप्स होते हैं जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है और इनमें भी एक्स्ट्रा एनवेलप एब्सेंट होता है। तो ये हमारा प्रोटीन था, देखिए बिल्कुल स्फेरिकल शेप में। फिर अगला है हमारा डंबल वायरस। अब ये डंबल शेप वायरस कौन से होते हैं, द शेप ऑफ वायरस पार्टिकल्स फाउंड इन जेमिनी वायरस, ये जेमिनी वायरस में पाए जाते हैं। इनमें क्या होता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है और इनमें कोई एक्स्ट्रा कोट नहीं होता है, एक्स्ट्रा जो इनवेलप होता है वो एब्सेंट होता है। गिब्स और हैरिसन ने रिपोर्ट किया था ये जो वायरस था कि ये जो जेमिनी वायरस होता है ये दो वायरस पार्टिकल्स का बना होता है और इसी को हम लोग कहते हैं डंबल शेप वायरस। देख लिए तो एक ये पार्टिकल है जैसे, दूसरा पार्टिकल ये, दोनों आपस में करेक्ट है, कनेक्टेड है। तो इन्हीं ने कहा था कि ये दो वायरस पार्टिकल से मिलके बना होता है जो हमारा जमाइनी वायरस होता है। ये जमाइनी वायरस पे हमारे बीएससी में शॉर्ट नोट भी आता है तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा और याद रखिएगा इसका वो जो होता है जेनेटिक मटीरियल वो क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर और नेचर वायरस का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब बात करेंगे टीएमवी की, टोबैको मोज़ेक वायरस, और उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।